तो हमको बताया कि आपको चश्मा कब से था और कैसा नंबर था आपका? हाँ, मेरा चश्मा मतलब ये नेगेटिव में नंबर था, मायोपिया था, मुझे चाइल्डहुड से था। तो मैं तो ऐसा नंबर ऐसा वेरी होते रहता था पहले। कितना बढ़ गया था और कैसे हाँ, बढ़ा? तो मेरा बच एक आई में -10 था, एक में -11 था। तो ओके, चश्मे से हाँ क्या परेशानी होती थी? हाँ जैसे कभी ट्रैवल कर रहे हो, किसी का हाथ लग गया, अगर स्विमिंग पूल में जाना है, वाटर पार्क में जाना है, तो वहाँ पे चश्मे पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो अभी सर आईसीएल लगाने के बाद तो चश्मे पे डिपेंडेंट हो गया हाँ, मैं। तुमने आईसीएल के बारे में कैसे सोचा? तुम पहले कुछ इन्फॉर्मेशन लिया? हाँ मतलब ये मैंने कुछ डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने रेकमेंड किया था आईसीएल। बट क्योंकि तभी 18 इयर्स था, मतलब ये एज कंप्लीट नहीं हुआ था और नंबर स्टेबल नहीं था, तो फिर अभी कुछ ईयर से नंबर स्टेबल है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आईसीएल। वेरी गुड। तो आपका विजनाइन सेंटर में आईसीएल हुआ, अभी उसको पास पास कितना दिन हो गए हैं? हाँ, ऑलमोस्ट 10 डेज हो गए हैं विजयनगर सेंटर हाँ, में। आपको ऑपरेशन के दिन कैसा लगा? ऑपरेशन कैसा था? पेनलेस था? आपको कुछ क्या तकलीफ हुई या कुछ नहीं हुआ? नहीं, हाँ एकदम पेनलेस था, मतलब कुछ ऐसा थोड़ा सा एक प्रेशर फील हुआ बोथ आईज में, फिर कुछ मिनट्स के लिए राइट आई में, फिर लेफ्ट आई में, बस ऐसा ही था। हाँ, तो सेम डे और दोनों आंखों का हम करते हैं। आंखों में कोई पट्टी या टाका भी नहीं लगाते हैं तो कुछ तकलीफ नहीं होती है। तो दूसरे दिन आपको साफ दिख रहा था बिल्कुल? हाँ, मुझे नेक्स्ट डे से एकदम क्लियर दिख रहा था, जैसे चश्मे से हाँ, दिखता है वैसे ही क्लियर दिख रहा था अभी। ओके। और आपका फील्ड ऑफ विजन भी बढ़ गया होगा, क्लैरिटी हाँ भी बढ़ गई। हाँ, क्योंकि हम चश्मे के देखते हैं तो किसी ग्लास या किसी मीडियम से देख रहे हैं, अगर हम अपनी आंखों से देखते हैं उसकी क्वालिटी टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि वो हमें हमारे भगवान ने दिया हुआ है, कॉर्निया है, वो हमेशा उसका क्रिस्टल क्लियर रहता है। इसलिए क्वालिटी ऑफ विजन, फील्ड ऑफ विजन, कलर क्लैरिटी सब कुछ बढ़ जाता है। और चश्मे क्या आपका डिपेंडेंस पूरी तरह चले गया, तो उस बारे में हाँ आपको कैसा लग रहा है? हाँ अभी अच्छा फील हो रहा है कि मतलब कुछ एक्टिविटीज करनी हो, कुछ भी जिसमें चश्मा, जैसे मूवी देखने जाना हो 3D मूवी, तो उसमें भी थोड़ा चश्मे पे डिपेंडेंट रहना है। ऐसा कुछ घर पे अगर कुछ नॉर्मली सुबह उठ रहे हो तो डायरेक्ट चश्मा यूज करना पड़ता है, तो अभी नहीं यूज करना है, अभी ऑलमोस्ट पूरा विजन क्लियर। फैंटास्टिक। आपको कुछ दर्द हो रहा है आंखों में अभी या कुछ प्रेशर है? कुछ नहीं नहीं अभी है? नहीं, अभी नॉर्मल है। तो जैसे मुझे यहाँ पे स्टाफ ने और डॉक्टर ने गाइड किया था, तो वैसे ही कितना 3 डेज तक थोड़ा पेन था, फिर उसके बाद में नॉर्मल, और फिर मैं नॉर्मल डे एक्टिविटीज कर सकता हूँ। तो आप 3 डेज के बाद में अपना आपका सारा काम शुरू कर दिया आपने? हाँ, मैंने फिर स्टार्ट कर दिया मैंने वर्किंग। वेरी गुड। एक और 1 वीक के बाद में आप ट्रैवल भी कर सकते थे, अब हाँ, गांव एक में वीक के जाके बाद हैं। हाँ ट्रैवल भी कर सकते काम पे नॉर्मली, फ्रीली जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो कर सकते हैं। फैंटास्टिक। आप ये हाँ औरों को रेकमेंड करेंगे जिनको इतना नंबर है? हाँ जैसे आप अपने फ्रेंड्स को कर सकते हैं, फैमिलीज को कर सकते हाँ, हैं, तो प्रोसीजर ये। बहुत ही बढ़िया है, सेफ है। आप ये करा सकते हैं आईसीएल, और आपका चश्मे का डिपेंडेंस पूरी तरह जा सकता है। आपका ज्यादा नंबर है तो आपको लेसिक नहीं कराना चाहिए। आईसीएल बेस्ट है। ऐसे थैंक यू। थैंक यू।